गिरिडीह के गांडी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने गिरिडीह समाहरणालय परिसर में निर्वाचित पदाधिकारी सह DSO गुलाम समदानी के पास अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुनिया देवी के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रवीण चौधरी, कुलेश्वर वर्मा, मनीष वर्मा, कुसुम सिन्हा, पिंकी कुमारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुनिया देवी की टक्कर CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से, जो वर्तमान में उपचुनाव जीतकर गांडी की विधायक है। कर क्या कहेंगे? और आज मेरा नामांकन शुरू हो गया है और बढ़िया, बहुत अच्छे से हो गया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे जितने भी गांडे के विधानसभा के भाई बहनों लोग पूरा उपस्थित हो करके आज मेरा एकदम आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। जी, आपकी टक्कर है, मुख्यमंत्री की पत्नी है और अभी उपचुनाव जीत कर आई है, उसका दावा उम्मीदवार है, कहाँ मानती हैं उसके मुकाबले अपने आपको? मुकाबला हमारे जनता ने मुंड बना लिए हैं, हमारे जनता ने मुकाबला करेंगे। क्या आपके होंगे आगे रणनीति, क्या होगी जीत के बाद, क्या करना चाहेंगे, गांडे क्या विकास देंगे? गांडे विधानसभा में इस देख सकते हैं कि कहीं वैसा कुछ मतलब विकास के नाम से एकदम जीरो के नाम जाना जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। बड़ी योजना, छोटी योजना कुछ भी हो तक नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले गांडे को, जनता को मैं आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद जितने भी जिलों का जो रुपया का मांग है, शिक्षा का क्षेत्र में इन लोग बहुत जीरो में जा रहा है। सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करूँगी, सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था करूँगी,